मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी बुक न्यू स्पेक्ट्रम इंग्लिश मैन कोर्स बुक में चैप्टर नंबर 14 रीड कर रहे थे। चैप्टर नंबर 14 का हमने पेज नंबर 94 रीड कर लिया था। टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 95। दिस इज पेज नंबर 95। 94 पे हमने रीड किया कि जो सोनी है वो मम्मा से बोलती है कि मम्मा मुझे शुगर कम लग रही है टी में और शुगर डाल दो। तो सोनी का ब्रदर बोलता है कि मम्मा नहीं, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा मीठी लग रही है, इसकी जो टी है उसमें शुगर मत डालो। तो मम्मा बोलती है कि सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, इसलिए सोनी तुम्हें जितनी शुगर चाहिए तुम इस पॉट में से निकाल कर अपने अपने कप में डाल लो, ठीक है। तो डैडी फिर बताते हैं कि पीपल का, लोगों का सच में डिफरेंट टेस्ट होता है, किसी को ज़्यादा मीठी चाय अच्छी लगती है, किसी को कम मीठी अच्छी लगती है, ठीक है। एक बार मैं जापान पार्टी में गया था, वहाँ की चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है। क्योंकि वहाँ की जो टी थी ना, उसमें ना तो मिल्क था ना ही कोई शुगर थी। एंड आई हैड टू ड्रिंक कप आफ्टर कप फिल्ड विद टी बाय माई होस्ट। और मेरे जो होस्ट थे ना, वो मुझे क्योंकि फोर्स कर रहे थे टी ड्रिंक करने के लिए, इसलिए मुझे बहुत सारे कप टी ड्रिंक करनी पड़ी। दैट इज़ द एटिक्वेट। ये गुड मैनर्स होते हैं कि जब आप होस्ट आपको फोर्स कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। यू कॉन्ट रिफ्यूज कप्स ऑफ टी गिवन टू यू बाय योर होस्ट इन जापान। जापान में ये एक एटिक्वेट होता है, गुड मैनर होता है कि अगर गेस्ट आपको कुछ चीज़ ऑफर कर रहे हैं तो आप उसके लिए मना नहीं करते। तो सोनी बोलती है थैंक गॉड आई एम नॉट इन जापान। थैंक गॉड मैं जापान में नहीं हूँ। तो सोनू बोलता है आई विश यू वर इन जापान जस्ट फॉर अ चेंज। वो बोलता है कि मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम्हें जापान में होना चाहिए था ताकि तुम कुछ चेंज हो जाती। तो इस पे सोनी रिप्लाई करती है डोंट बी नोटी सोनू। ओके, मीन्स सोनू ज़्यादा नोटी मत बनो, तुम शैतान मत बनो। अब जो डैडी है वो बोलते हैं इंग्लिश मैन आर ग्रेट ट्री ड्रिंकर। जो इंग्लिश मैन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। एन इंग्लिश मैन ड्रिंक्स अबाउट 10 kilos ऑफ टी लीव्स इन अ ईयर। एक जो इंग्लिश मैन होता है वो 10 kilo टी जो है ना एक साल में ड्रिंक कर जाता है, ठीक है। बट इंग्लिश टी इज़ माइल्ड। लेकिन जो इंग्लिश टी होती है ना, थोड़ी हल्की होती है। माइल्ड मीन्स लाइट एंड वेरी लिटिल मिल्क एंड शुगर गो विद इट। और उसमें बहुत कम मिल्क और शुगर होती है। एंड अमेरिकन ड्रिंक्स अ लिटिल लेस देन अ किलो ऑफ टी लीव्स इन अ ईयर। एक जो अमेरिकन है ना, वो 1 kilo टी लीव्स से थोड़ी सी कम ड्रिंक करता है। ही एन्जॉयज हिज टी इन अ ग्लास। वो ग्लास में अपनी टी एन्जॉय करता है। दिस टी हैज़ नो मिल्क एंड शुगर इन इट। ये जो टी होती है ना, इसमें ना तो मिल्क होता है ना ही शुगर होती है। द अमेरिकन स्क्वीजेज लेमन इन इट। जो अमेरिकन पीपल होते हैं ना, वो तो अपनी टी में लेमन भी डालते हैं। अ तिब्बतन ड्रिंक्स हिज टी फ्रॉम अ बैम्बू ट्यूब एंड ही पुट्स रैंसीड बटर इन इट। अब क्या होता है, जो तिब्बतन होते हैं ना, वो बैम्बू का एक ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब जैसे उसमें कप बना लेते हैं, बैम्बू का बांस का कप बनाते हैं और उसी में वो टी डालते हैं और उसी में वो रैंसीड बटर, रैंसीड मीन्स की जो कि थोड़ा सा पुराना जो बटर होता है ना, वो उसमें वो डालते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ी स्मेल आई हुई रहती है। ओ माई गॉड, ऐसा किसने बोला? सोनी ने। सोनी बोलती ओ माई गॉड। फिर सोनू बोलता है डैडी लेट सेंड सोनी टू स्कूल इन तिब्बत। कि बस डैडी चलो, जो सोनी है ना, इसको हम तिब्बत भेज देते हैं ताकि ये जो रैंसिड बटर वाली जो टी है ना, वो ये ड्रिंक कर पाए, ठीक है, ऐसा सोनू बोलता है। तो इस पे सोनी रिप्लाई करती है आई वुड नॉट माइंड गोइंग टू अ स्कूल इन तिब्बत, है ना, कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं ध्यान नहीं दूंगी तिब्बत में स्कूल जाने में। आई वुड नॉट देन हैव टू लिसन टू योर रिमार्क सोनू। कम से कम मुझे वहाँ पे तुम्हारे कमेंट तो सुनने नहीं पड़ेंगे, है ना, ऐसा बोलती है सोनी कि कोई दिक्कत नहीं तिब्बत जाने में भी, लेकिन तुम्हारे कमेंट वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। अब डैडी बोलते हैं चाइना इज़ ऑल्सो टी ड्रिंकिंग कंट्री। चाइना भी एक टी ड्रिंकिंग कंट्री है, वहाँ पे भी चाय पी जाती है। चाइना न्यू टी ड्रिंकिंग 4000 years अगो। चाइना तो 4000 years पहले से ही टी ड्रिंक करना जानता है। टी वेंट टू द वेस्टर्न कंट्रीज अबाउट 300 years अगो।
वेस्टर्न में तो 300 ईयर्स अगो ही टी गई है, ओके। चाइना तो 4000 ईयर्स पहले से ही टी ड्रिंक कर रहा है। वी इन इंडिया कॉट द टी ड्रिंकिंग हैबिट फ्रॉम इंग्लैंड। हम इंडियन जो है ना, हमें ये टी ड्रिंक करने की हैबिट कहाँ से आई? इंग्लैंड से। वी हैव टी गार्डन्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में हमारे टी गार्डन्स है। इंडिया एंड श्रीलंका एक्सपोर्ट द टी टू द वेस्टर्न कंट्रीज। हमारा जो इंडिया है और श्रीलंका है वो टी वेस्टर्न कंट्रीज से एक्सपोर्ट करता है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड पेज नंबर 95 ऑफ द चैप्टर नंबर 14। इन टुडेज होमवर्क यू ऑल्सो हैव टू रीड दिस पेज नंबर 95 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रांसलेट इट टू समवन एल्डर इन योर फैमिली। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।